हे वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं बनाऊंगी वेनिला आइसक्रीम, एगलेस वेनिला आइसक्रीम। और इसे बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, चलिए देख लेते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए सबसे पहले 2 कप फुल फैट मिल्क, आधा कप दूध अलग से, 2 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर और 1 कप चीनी और 2 कप क्रीम, फ्रेश क्रीम है और वेनिला एसेंस। सबसे पहले दूध को चढ़ा देंगे इंडक्शन पे और इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तब तक जो एक्स्ट्रा दूध लिया था उसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया, अब इसे मिक्स कर लें। तो चलिए, ये कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लिया है दूध में, इसे अच्छे से हिलाएं, नीचे तक हिलाएं ताकि इसमें लम्स ना पड़े। तो ये कॉर्नफ्लोर और दूध अच्छे से मिक्स हो गया है। चलिए दूध पे नज़र डाल लेते हैं, दूध भी उबल चुका है। तो अब इसमें धीरे धीरे चीनी डालेंगे। तो चलिए चीनी डाल लेते हैं उबलते हुए दूध में। ये मैंने चीनी डाल लिया दूध में, अब इसे फिर से धीमे धीमे चलाते रहें, इसे बर्तन के बॉटम तक चलाएं और चीनी दूध में घुल जाने तक इसे चलाते रहें और दूध पकाते रहें। चीनी घुल गया है अच्छे से दूध में और इसमें फिर से एक बॉयल आ गया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो जो मैंने कॉर्नफ्लोर और दूध का घोल लिया था वो उसमें मैं डाल लूँगी। तो चलिए इसे भी डाल दिया है मैंने, अब इसे फिर से चलाएंगे और इसे एक बॉयल आने तक पकाएंगे। जैसे जैसे ये पकेगा ये दूध गाढ़ा होता जाएगा क्योंकि इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। तो इसमें बॉयल आ गया है, अब ये दूध गाढ़ा होने लगेगा। आप देख सकते हैं दूध गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। तो चलिए अब इसे इंडक्शन से उतारेंगे और इसको ठंडा करेंगे। तो चलिए इंडक्शन बंद कर दिया मैंने। अब ये मैंने इंडक्शन से उतार लिया है और अब इसे मैं ठंडा करूँगी। चलिए इसे हिला के थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दें ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तब तक मैं अपनी क्रीम देख लेती हूँ। जो मैंने 2 कप फ्रेश क्रीम ली थी, तो इसको व्हिप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहें, बहुत गर्मी है तो एक बर्फ़ भरी हुई बोल के ऊपर आप इस बोल को रखें, उसके बाद व्हिप करें। मेरा रूम टेम्परेचर नॉर्मल है सो मैं डायरेक्टली ब्लेंड कर रही हूँ। तो चलिए इसे ब्लेंड कर लेते हैं। ऐसा करने में 3 से 4 मिनट लगेंगे और क्रीम अच्छे से व्हिप हो जाएगी। क्रीम को तब तक ब्लेंड करना है जब तक कि क्रीम क्वांटिटी में डबल ना हो जाए और इसमें एक सॉफ्ट पीक फॉर्म ना करने लगे। फिर इसमें सॉफ्ट पीक बनने लग जाएगी, इसका मतलब ये है कि हमारी जो व्हिप क्रीम है वो रेडी है। दो मिनट हो गए हैं इसे ब्लेंड करते करते, अब इसे 2 मिनट और ब्लेंड करना है। क्रीम आप देख सकते हैं गाढ़ी होनी स्टार्ट हो गई है। यदि और गाढ़ी होगी
गाढ़ी होने लगी है अब। तो चलिए क्रीम अच्छे से व्हिप्ड हो गई है, इसमें पीक भी बनने लगा है ये देखिए। तो अब ये जो मैंने दूध ठंडा किया था, दूध कॉर्नफ्लोर और चीनी को, अब इसमें क्रीम डालेंगे धीरे धीरे। इसमें सारी क्रीम स्पून की हेल्प से इसमें डाल दें। अब इसको दूध और क्रीम को आपस में अच्छे से मिक्स कर लें। ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे ताकि ये जल्दी से इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। बस इसे 2 मिनट ब्लेंड करेंगे। तो चलिए 2 मिनट हो गए हैं, अब इसको एक प्लास्टिक के कंटेनर में पोर कर देंगे। और इसे पोर करने के बाद आप चेक कर लें इसकी थिकनेस। चलिए इसकी थिकनेस देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल गाढ़ा है ये। अब इस पर ढक्कन लगाएंगे और ढक्कन लगाकर इसे 7 से 8 घंटों के लिए फ्रीज़र में फ्रीज कर देंगे। तो चलिए 7 से 8 घंटे हो चुके हैं मेरे, मैंने आइसक्रीम को स्कूप करके निकाल लिया है। वेनिला आइसक्रीम बहुत अच्छी बनी है और बिल्कुल परफेक्ट बनी है आप देख सकते हैं, और मैंने इसे आलमंड से गार्निश किया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।